नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध देवी मां बम्लेश्वरी मंदिर में आज से आम और खास लोगों की दर्शन शुरू हो गई है। आज सुबह से ही दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहा। हम बता दें कि लॉकडाउन के चलते देश व प्रदेश के सभी धर्म स्थलों पर लोगों का आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। स्थल 81 दिनों के बाद आज ओपन हुआ है। दर्शन शुरू होते ही बम्लेश्वरी के दरबार में गूंजे जय माता की जयकार। कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन के बाद अब दर्शनार्थियों के लिए मां बम्लेश्वरी देवी का दरबार खुल गया है। 81 दिनों के बाद माता के भक्त मंदिर पहुंचकर दर्शन करना शुरू कर दिए हैं। अनलॉक 1.0 के बीच केंद्र सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी है। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश के सभी बड़े ट्रस्ट ने तैयारी शुरू कर दी थी। भक्तों को केवल माता के दर्शन करने का अधिकार रहेगा। इसके अलावा प्रसाद आदि चढ़ाने के लिए गर्भगृह के बाहर बॉक्स रखा जाएगा। वहीं मंदिर के पुजारी भी भक्तों को टीका नहीं लगा पाएंगे तथा मंदिर में घंटी बजाने की अनुमति भी नहीं रहेगी, इसलिए ट्रस्ट समिति ने घंटियों को उतार दिया है। डोंगरगढ़ से डीएनएक्स टीवी के लिए सोमेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। नीचे मंदिर माँ बम्लेश्वरी के प्रमुख द्वार को बंद ही रखा गया। दर्शनार्थियों की एंट्री नीचे कार्यालय की ओर बने रैप से भैरव बाबा मंदिर होकर किया गया है। गुंबज पहुंचने के पहले महिला पुरुष की कतार पार्टीशन में अलग अलग किया। भैरव बाबा मंदिर की ओर से पुरुष व महिला गणेश मंदिर की ओर से दर्शन करेंगी। दर्शन के पहले एंट्री में ही प्रत्येक लोगों को रजिस्टर में नाम और पता दर्ज करना होगा। थर्मामीटर से जांच के बाद कर्मचारी सैनिटाइजर से हाथ साफ कराएंगे। प्रसाद चढ़ाने के लिए गुंबद के बाहर ही बॉक्स रखा जाएगा। इसके अलावा दर्शनार्थियों को पैकेट के ऊपर से सैनिटाइजर करके प्रसाद देंगे। गाइडलाइन के मुताबिक सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही दर्शन करने की अनुमति होगी। ट्रस्ट के मंत्री अध्यक्ष नारायण अग्रवाल ने बताया कि आज से दर्शनार्थियों के लिए ऊपर मंदिर आने जाने हेतु रोपवे खोला जाएगा। एक पाली में 6 की जगह 4 लोग ही बैठेंगे तथा उस पाली में एक ही परिवार के सदस्य ही बैठे, ऐसी कोशिश की जाएगी। हर बार दर्शनार्थियों के चढ़ने उतरने के बाद सैनिटाइज भी किया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस के दस्तक के बाद प्रशासन ने चैत्र नवरात्र मेला रद्द कर दिया। संक्रमण को बढ़ता देख 19 मार्च से मंदिरों में दर्शनार्थियों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है। केवल मंदिर के पुजारी ट्रस्टी ही पूजा कर रहे हैं। श्री देवी के दरबार में फिर से दर्शनार्थियों की रौनक दिखना शुरू हो गई है कि मंदिर जाने से पहले सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दर्शनार्थी की आवाजाही के बाद दुकान खुलेगी। मां बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने आज 8 जून को दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खोलने की अनुमति दे दी है। इसी तारतम्य में सुरक्षा की दृष्टिकोण से मंदिर परिसर में सभी तैयारी शुरू कर दी गई है। बैरिकेड से लेकर सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था की गई और राज्य शासन की गाइडलाइन के मुताबिक नियमों का पालन दर्शन के दौरान कराया जाएगा। फिलहाल केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद ट्रस्ट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। मां बम्लेश्वरी देवी की जय। 81 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज माता रानी का दरबार पुनः दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया है और हम आने वाले दर्शनार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि माता रानी उनका भविष्य उज्जवल बनाए और उनकी मनोकामना पूर्ति हो। चूंकि कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए दर्शन के हिसाब से हम लोगों ने जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसका हम पूरा पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए गोला बना करके और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई है। और एक ये मशीन हमने लगाया है, सारी सिस्टम है और इससे ही दर्शनार्थी जो जाने वाला है वो यहाँ से क्रॉस होकर के जाएगा। सैनिटाइज करने के लिए लगाया गया और एंट्री जहाँ पे द्वार है वहाँ पे सैनिटाइजर करने के लिए हाथ वॉश करने की और हाथ हैंड वॉश का है व्यवस्था है और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था है। लॉकडाउन के बाद आज 8 जून को प्रथम दिन मंदिर खुले गए हैं। मैं लगभग 42 वर्षों से नियमित यहाँ आते रहा हूँ। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा वक्त आया है कि मैं 2.5 महीने तक माता जी के दर्शन नहीं कर पाया। बड़ी प्रसन्नता हूँ कि आज मेरे शासन ने यह निर्णय लिया कि मंदिर खोले जाएँ जहाँ अनवरत भक्तों को
के दर्शन हो सके।